नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से मौतों का आंकड़ा 402 तक पहुंचा। सर्च ऑपरेशन का आज 8वां दिन, 180 अब भी लापता। 6 दिन बाद मालिक से मिला डॉग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी काट सकती है 5 विधायकों का टिकट। सूत्रों के अनुसार इनके बदले पार्टी नए चेहरों को देगी मौका। सीट बंटवारे पर MVA की कल होगी मीटिंग। राजस्थान में बांध के पानी से बही बस। हिमाचल में 87 सड़कें हुई ब्लॉक। 20 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी। गाजियाबाद में एयरवेज के सेफ हाउस में शेख हसीना कर सकती हैं बेटी से मुलाकात। यूपी पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का आज दिल्ली दौरा। आप और TMC नेताओं से करेंगे मुलाकात। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बारिश के कारण ढहे मकान, 9 लोग दबे, 1 महिला की हुई मौत। बांग्लादेश राजनीतिक संकट से जूझ रहा, हालात पर भारत सरकार की नजरें। बांग्लादेश पर राज्यसभा में बोले विदेश मंत्री S. जयशंकर, कहा हसीना ने भारत आने की मांगी थी इजाजत। ब्रिटेन जा रहे अपने भारतीय नागरिकों के लिए भारत ने जारी की एडवाइजरी। खास क्षेत्रों में सतर्क रहने की दी सलाह। बात करें सोने चांदी की तो सोना 213 रुपए गिरकर 68,904 पर आया, तो वहीं चांदी 506 रुपए से फिसलकर 78,444 रुपए प्रति किलो बिकी। शेयर बाजार में ऊपरी स्तर से 1300 अंक गिरा सेंसेक्स। 200 अंक की गिरावट के साथ 78,550 के स्तर पर आया। रियल एस्टेट शेयरों में हुई तेजी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। वहीं कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर रणनीति बनाने का दौर जारी है। बता दें इसके साथ ही गुरुग्राम जिले के 4 विधानसभा सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी धुर विरोधी कुमारी शैलजा के ग्रुप में अंदर खाने सहमत का खेल भी स्टार्ट हो गया है। दरअसल दोनों गुटों के नेता लगातार हाथ पैर मार रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि कुमारी शैलजा और उनके साथी रणदीप सुरजेवाला का ग्रुप इस कोशिश में है कि लगातार 2 चुनाव हार चुके नेताओं को इस बार टिकट ना मिल पाए, इसके लिए फील्डिंग जमाई जा रही है। यह हाईकमान को इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा नए चेहरों पर दाव लगाया जा सके ताकि पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना सके। वहीं अगर शैलजा खेमे की ये प्लानिंग सिर चढ़ गई तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुड्डा खेमे को और उससे जुड़े नेताओं को होगा। इसी वजह से इस धड़े के नेताओं में थोड़ी बेचैनी दिख रही है। इन नेताओं की जगह अगर नए चेहरों को टिकट मिला और पार्टी सत्ता में आई तो CM चेहरे को लेकर भी शैलजा खेमे की दावेदारी मजबूत होगी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम में पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर खूब हल्ला बोला। उन्होंने किसानों की 24 फसलों को MSP पर खरीदने के भाजपा सरकार के फैसले पर तंज कसा। कहा कि भाजपा की सरकार 35 दिनों की है, इन 35 दिनों में कौन सी फसल तैयार हो जाएगी जो ये MSP पर खरीदने की बात करते हैं। बता दें कि CM सैनी ने कुछ दिन पहले ही किसानों की सभी फसलें MSP पर खरीदने की घोषणा की थी। वहीं अब सोमवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की मीटिंग में CM ने अपनी इस घोषणा पर मोहर भी लगा दी है। पहले हरियाणा में 14 फसलें MSP पर खरीदी जाती थी, अब यहां के किसानों की 24 फसलों को MSP पर सरकार खरीदेगी। वहीं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि राज्य सरकार ऐसी प्रक्रिया अपनाने के लिए पूरी तरह सक्षम है जिससे न केवल राज्य को अधिकतम राजस्व प्राप्त हो बल्कि कारोबारियों को व्यापार में आसानी रहे। बता दें इससे भारी निवेश का विश्वास भी मिलेगा। दरअसल हाईकोर्ट का मानना है कि किसी भी राज्य से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह केवल लोक लुभावन कदम उठाकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाए। ये आदेश हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP को गुरुग्राम में 287 करोड़ रुपए की वाणिज्यिक साइट की ई नीलामी के लिए स्विफ्ट चैलेंज पद्धति अपनाने पर दिए हैं। इस पद्धति के तहत एक निजी डेवलपर सरकार को एक सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना का प्रस्ताव देता है। सरकार मूल प्रस्ताव पर जवाबी प्रस्ताव मांगती है और सभी विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करती है।
अगली खबर हरियाणा के मेवात से है, जहां साइबर ठग अलग अलग तरीके से ठगी करके लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। दरअसल मेवात पुलिस ने ऐसे ठगों को पकड़ने के लिए एंटीवायरस अभियान चलाया है। बावजूद इसके अभी भी ठगी के कई मामले सामने आ रहे हैं। बता दें, राजस्थान पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे एंटीवायरस अभियान के तहत कई आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जिनसे पूछताछ में लाखों की ठगी की बात सामने आई है। साथ में ये भी बताते चले कि राजस्थान के जुरहेरा पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के विरोध केस दर्ज कराकर गहनता से जांच भी शुरू कर दी गई है। वही आरोपितों के कब्जे से 8 मोबाइल, 11 फर्जी सिम बरामद की गई हैं। इन्हीं सिमों को इस्तेमाल कर साइबर ठग व्हाट्सएप पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों को नौकरी, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन कमाई का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाते थे। दरअसल ये लोग फर्जी आईडी बनाकर एप्पल के महंगे आइटम्स गिफ्ट करने पर डिलीवरी चार्ज और सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर आईडी पर किसी अनजान व्यक्ति की फोटो लगाकर उसके परिचितों से संपर्क कर रुपयों की इमरजेंसी होने की बात कहकर ठगी करते थे और पीड़ितों से रुपये ट्रांसफर कराते थे। वहीं मेवात पुलिस अभी तक दर्जनों आरोपितों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेज चुकी है। पुलिस का कहना है कि आगे भी कार्रवाई जारी है। वही बात करें हरियाणा के मौसम की, तो मौसम में परिवर्तन के साथ ही हरियाणा के कई जिलों में सोमवार को दिन भर ठंडी हवाएं चली। इसके तापमान में हल्की गिरावट हुई। वहीं मंगलवार को भी मौसम ठंडा रहने के बाद बुधवार को मौसम में परिवर्तन होने की उम्मीद है। इससे तापमान में गिरावट की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान की गिरावट होने के साथ लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।